फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेज़ आमिर पोल साइंस फैकल्टी अनु शर्मा इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस चैप्टर नंबर फाइव कंटेम्प्रे साउथ एशिया इसके कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमने पाकिस्तान के बारे में डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से जो ईस्ट पाकिस्तान था जो कि बांग्लादेश में था हाँ उसे आ, किस तरीके से भारत ने आज़ाद करवाया किस तरीके से वहाँ से ये पाकिस्तान का जो कब्ज़ा था उसे हटाया और क, आ, कि, किस तरीके से बांग्लादेश ने अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया नए नया कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जिसमें जिसका फेज जो था वो सेकुलरिज्म था डेमोक्रेसी थी और सोशलिज्म था यानी उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में इन बातों को ध्यान में रखा गया कह रही कि नाइनटीन uh, फाइव में जो शेख uh, मुजबिर रहमान हैं वो for, uh, वो प्रेजिडेंट बने थे और वाज असाइन इन अ मिलिट्री अपराइजिंग और उन्हें मिलिट्री अपराइजिंग uh, के दौरान ही उन्हें साइन किया गया था द न्यू मिलिट्री रूलर और रहमान फॉर्म्ड हिज़ ओन बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड वॉर्न इलेक्शन इन नाइनटीन सेवनटी नाइन कह रहे कि जो uh, uh, ना, जो है उन्होंने एक uh, उन्होंने क्या करा एक आ, अपनी पार्टी बनाई और जब इलेक्शन हुए 1979 में उसमें इलेक्शन में भाग लिया और जीत गए ही वॉज़ असाइनेटेड एंड एंड अनदर मिलिट्री टेक ओवर फॉ फॉलोड अंडर द लीडरशिप ऑफ जेन एच एम इराद लेकिन बाद में उनकी हत्या करवा दी गई और 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 फिर जेन एच एम इराद ने क्या कर लिया मतलब uh, उस पर कब्जा कर लिया सिंस नाइन्टीन नाइन्टी वन डेमोक्रेसी हैव भी इन वर्किंग इन बांग्लादेश लेकिन उन नाइनटीन के बाद से जो डेमोक्रेटिक यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था वो बांग्लादेश में उसने काम करना शुरू कर दिया तो ये सब हम लोगों ने लास्ट उसमें पढ़ा भी था अब हम पढ़ेंगे मोनार् एंड द डेमोक्रेसी इन नेपाल यानी किस तरीके से ये राजतंत्र जो है है वो प्रजातंत्र में बदला नेपाल में कि नेपाल वॉज हिंदू किंगडम इन द पास्ट एंड देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार् इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मेनी ईयर कि जो नेपाल है वो एक हिंदू किंगडम है ठीक है Uh, यानी पास्ट uh, में एक हिंदू किंगडम था आ, लेकिन uh, और वहाँ पर क्या चलता है वहाँ पर हर राजतंत्र चलता है यानी संविधानिक राजतंत्र चलता आ रहा है बहुत लंबे टाइम से थ्रू आउट दिस पीरियड पोलिटिकल पार्टीज एंड द कॉमन पीपल ऑफ़ नेपाल हैटेड अ मोर ओपन एंड अ रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते कि जो गवर्नमेंट हो वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो और उन्हें और ज़्यादा आज़ादी मिले लेकिन बट द किंग विद द हेल्प ऑफ द आर्मी रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ द डेमोक्रेसी इन द नेपाल लेकिन जो वहाँ का राजा जो था वो आर्मी की मदद से वो सारे ए, uh, सारे लोगों पर अपना कंट्रोल रखता है रिस्ट्रिक्शन लगाता है और, और रिस्ट्रिक्ट करता है नेपाल को राजतंत्र प्रजा प्रजातंत्र मतलब नेपाल में प्रजातंत्र को रोकता है द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990 इन द वेक ऑफ स्ट्रॉन्ग प्री डेमोक्रेसी मूवमेंट कह कहने कि लेकिन इन सब के बावजूद भी 1990 में जो राजा था नेपाल का उसने एक लोकतंत्र संविधान के लिए स्वीकृति दे दी ये तब हुआ जब बहुत बड़े बड़े एद, आ, बड़े स्तर पर प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स लोगों ने चलाने शुरू कर दिए थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैड अ शॉर्ट एंड ट्रबल्ड करियर हालांकि इसके बावजूद भी कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसका जो कार्यकाल होता है जो करियर होता है बहुत छोटा होता है ड्यूरिंग द नाइन्टीज द मोइन मॉइस्ट ऑफ नेपाल वक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन मैनी पार्ट ऑफ द नेपाल दे बिलीव इन आर्म्ड इंस्ट्यूरेशन अगेंस्ट द मोनार्ड एंड रूलिंग इलाइट यानी कि नाइनटीन uh, सेंचुरी में जो मोइस्ट होते हैं यानी जो uh, नेपाल के जो साधु होते हैं वो सक्सेसफुल रहे लोगों में अवेयरनेस फैलाने में इस बात की है कि uh, लोगों को uh, लोकतंत्र की आवश्यकता है और हर प्रजातंत्र से उनको क्या मिलनी चाहिए मुक्ति मिलनी चाहिए तो इस इस इन ची इन, इन टॉपिक्स को लेकर उन्होंने अवेयरनेस फैलाई लोगों लोगों में और वो सक्सेसफुल भी रहे दिस लीड टू द वॉयेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मॉइस्ट गुलेरियर्स एंड द आर्मी फोर्स ऑफ द किंग और ऐसा करने पर हर उनके बीच में यानी जो वहाँ के मॉइस्ट थे गुलेरियाज और जो राजा के जो वो सैनिक थे उनके बीच में बहुत टकराव भी हुए हैं फॉर टाइम देयर आर अ ट्रेंगुलर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मोइनस्ट फोर्सेस द डेमोक्रेट्स एंड द मोइस यानी कि कभी कभी तो जो विरोध होता था वो टें ट्रेंग, हो जाता था कैसे ए, ए, एक एक तरफ तो uh, मोरचनाए मौ, जो Uh, जो मोनार्चिस्ट uh, होते थे वो लड़ रहे होते थे एक तरफ डेमोक्रेट्स लड़ रहे होते थे और एक तरफ मॉइस्ट आपस में ही लड़ रहे होते थे इन टू थाउजेंड टू द किंग एबॉलिश द पार्लियामेंट एंड डिसमिस द गवर्नमेंट दस एंडिंग इवन द लिमिटेड डेमोक्रेसी दैट एक्सटें एक्जिस्टेड इन नेपाल खेरे की उन्नीस सौ दो में जो uh, राजा था उसने पार्लियामेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया डिसमिस कर दिया यानी जो गवर्नमेंट बनी हुई थी लोकतांत्रिक रूप से उसे डिसमिस कर दिया और फिर से डेमोक्रेसी यानी जो लोकतंत्र था वहां नेपाल में समाप्त हो गया इसके बाद ये कह रहे हैं कि इन टू थाउजेंड सिक्स इन टू थाउजेंड सिक्स देयर अ मैसेव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट द स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी इसके बाद क्या हो गया कि अप्रैल दो हजार छः से फिर से बड़े बड़े स्तरों पर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट होने लगे लोगों ने स्ट्रगल करना बढ़ा दिया और द स्ट्रगलिंग ऑफ प्रो डेमोक्रेसी फोर्स आर्चिड दे आर फर्स्ट मेजर विक्ट्री वेन द किंग वाज फोर्स टू रिस्टोर द हाउस ऑफ द ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेट हैड बीन डिजॉल्व इन अप्रैल टू थाउजेंड टू कह रहे कि इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि जो राजा है उसको ही नज़रबंद कर दिया गया जितने भी uh, उन लोगों ने नज़रबंद कर दिया जो जिन्होंने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रे रिप्रजेंटेटिव गमेंट बनाया था द लार्जली नॉन वायलेंट मोवमेंट वा वाज लेड बाय द सेवन पार्टी एलियंस मॉइस्ट एंड द सोशल एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि ये नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाए जा रहे थे उस वक्त uh, सेवन पार्टी एलियंस यानी सात पार्टियों ने मिलकर एक अलायंस uh, चला मोवमेंट चलाया था जो कि जिसमें मॉइस्ट और सोशल एक्टिवस्ट दोनों थे नेपाल ट्रांजिशन टू द डेमोक्रेसी इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट नेपाल हैज़ अंडर गो अ यूनिक मूवमेंट इन अ हिस्ट्री बिकॉज इट फॉर्म अंस्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू द ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल इसके बाद नेपाल के जो लोकतंत्र है उसमें बहुत बड़ा यानी पूर्णतः परिवर्तन आ गया मतलब जब राजा को नज़रबंद कर दिया गया और फिर जितने भी रिप्रजेंटेटिव यानी जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मिलकर क्या बनाए एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की धाम की नींव रखी तो ऐसा होने से क्या हुआ जो नेपाल था उसकी पूरी रूपरेखा बदल गई नेपाल आ, ये नेपाल के लिए एक अद्भुत समय था आ, मतलब अद्भुत मोमेंट था पूरे इतिहास में क्यों क्योंकि उस समय उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूट मतलब आ, नेपाल के संविधान की नींव रखी थी यानी नेपाल के संविधान को आ, ड्राफ्ट किया था लिखना शुरू किया था इसके बाद यहाँ पर यह कहा गया कि सम सेक्शन इन द नेपाल थॉट डेट आर नॉमिनल मोनार्ज वॉज नेसेसरी फॉर द नेपाल टू रिटेन इट्स लिंक विद द पास्ट लेकिन कुछ जो और बुद्धिजीवी थे उनका ये मानना था कि भाई नेपाल में राजतंत्र रहना चाहिए तभी उसका जो नेपाल है उसका संबंध जो है वो पास्ट से जुड़ा रहेगा लेकिन फिर क्या हुआ द मोइस्ट ग्रुप एग्री टू सस्पेंड द आर्मी स्ट्रगल दे वॉन्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द रेडियल प्रोग्राम ऑफ सोशल एंड इकनॉमिक लेकिन जो मोइस्ट ग्रुप था वो इस बात से सहमत नहीं था उन्होंने फिर संघर्ष किया वो चाहते थे कि जो आर्मी का कंट्रोल है जो राजा का कंट्रोल है वो हटा दिया जाए ए, और निष्पक्ष रूप से क्या किया जाए एक संविधान का गठन किया जाए जिसमें सभी को समानता मिले सोशल और सोशल और इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस जितने भी उसे हटा दिया जाए तो जितने भी ये पार्टीज थी जिसका नाम एस था वो आ, वो इस बात से एग्री नहीं थी वो uh, uh, मॉइस्ट की बात से एग्री नहीं थी द मोइस्ट एंड सम अदर पॉलिटिकल ग्रुप वर आल्सो डीपली सस्पेंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स रोल इन द फ्यूचर ऑफ नेपाल और uh, और मतलब एस जो सेवन तो पार्टियों के जो अलैंस था हाँ उससे uh, वो जो है मॉइस् क्या नहीं थे बिल्कुल uh, तो, क्या बोलते हैं सहमत नहीं थी आ, लेकिन जो मोस्ट और कुछ पॉलिटिकल ग्रुप थे वो, इन, वो वो बहुत ही कंसर्न थे इंडियन गवर्नमेंट के रोल आ, आ, रोल को लेकर फ्यू, फ्यूचर नेपाल में इन 2008 नेपाल बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर द एबोलिश द मोनारसी फाइनली 2008 में जो नेपाल है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया आफ्टर एबोलिशिंग द मोनारसी यानी प्रजातंत्र को हटाने के बाद इन 2015 इट अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में इसने नए संविधान का क्या किया था नए संविधान को अपनाया था ठीक है सो so गाइज आज के लिए इतना ही आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गुड बाय टेक केयर